देखिए, अगर पहले चरण के चुनाव प्रचार की बात करें तो चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। 13 तारीख को पहले चरण का चुनाव होना है। आज 3 बजे चुनाव प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। और अगर प्रत्याशियों की बात करें तो प्रत्याशियों ने अपना सारा ताकत आज चुनाव प्रचार में झोंक दिया है। अगर बात करें भाजपा प्रत्याशी प्रदीप प्रसाद की, तो उन्होंने पूरे शहर में बाइक रैली एवं रोड शो कर जनता का आशीर्वाद मांगा। तो वहीं मुन्ना सिंह ने भी लोगों से मिलकर, बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं से मिलकर अपने लिए आशीर्वाद मांगा है। हर्षद मेरा ने भी पूरे शहर में, जो निर्दलीय मैदान में है, उन्होंने भी पूरे शहर में बाइक रैली एवं लोगों से मिलकर अपने लिए समर्थन मांगा है। तीनों ही प्रत्याशियों ने हमसे बात की है और क्या कुछ उन्होंने बताया है, आप सुने। देखिए, लोगों का जन सैलाब सड़कों पे उतरा है, काफी उत्साहित है यहाँ के कार्यकर्तागण। भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का जो विश्वास है वो यहाँ रोड पे दिखने को मिल रहा है। और निश्चित तौर पर एक बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ इतिहास बनाने जा रही है। आज बाइक रैली में काफी जनसमूह दिख रहा है और आज अंतिम दिन भी है, क्या संदेश देंगे कार्यकर्ताओं को देंगे? उनका मेहनत का फल बहुत जल्दी दिखने वाला है। 27 तारीख को एक ऐतिहासिक जीत होगी और ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ताओं की जीत होगी। प्रचार कैसा रहा है? बहुत अच्छा रहा। हजारीबाग के समस्त बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, नौजवान साथियों को बहुत आशीर्वाद मिला। हजारीबाग मुन्ना में हो गया है, सही कह रहा चाहिए। क्या क्या लगा जब घूमे मार्केट में? घूमे तो क्योंकि समस्याएं तो बहुत है उनको, और हम एक पूरा रोड मैप भी बनाया, आपको पहले भी बता चुके हैं। समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। जब भारत इस बार जितना कर सकता हूँ जा रहा है, ये सब समय बताएगा और जनता बताएगा। जिसके प्रति देखिए क्या है, अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, बाकी हजारीबाग के लोग तय कर रहे हैं। जी बहुत बहुत नमस्कार। पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और जोहार। बहुत आज पहली बार हम लोग ने जो बात आपके सामने पहले भी रखा था, जी हम लोग राजनीति नहीं युवा नीति कर रहे हैं। आज हजारीबाग के एक एक युवा ने दिखा दिया कि युवा नीति क्या आती है। आपको बता दें, ये जो भीड़ आपको दिख रही है केवल ये नगर निगम के युवा है, और बाकी हमारे युवा साथी अपने ग्रामीण क्षेत्रों में, अपने अपने पंचायतों में आज रैली निकाल के शक्ति प्रदर्शन का काम कर रहे हैं। बाइक रैली हजारीबाग के विधानसभा के प्रत्येक पंचायत में आज हम लोग ने रैली निकालने का काम किया। तो सुना आपने प्रत्याशियों ने क्या कुछ बताया। अगर बात करें प्रत्याशियों की अस्वस्थता की, तो सभी लोग अस्वस्थ हैं कि वह चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन किसी एक को चुनाव जीतना है। अब 13 तारीख को जो मतदाता है वो किसे अपना मतदान स्वरूपी आशीर्वाद देते हैं, यह तो 23 तारीख को जब मतगणना होगी उसी समय पता चल पाएगा। लेकिन आज अंतिम दिन प्रत्याशियों ने अपनी सारी ताकत जनता के समक्ष जाकर वोट मांगने में झोंक दिया है। और अब इसका इंतजार सभी प्रत्याशियों को 23 तारीख का होगा, जब चुनाव पर नाम आएंगे और किसी एक के सर पर वो जीत का ताज सजेगा। शशांक शेखर, न्यूज़ 22 को हजारीबाग।